जम्मू कश्मीर में आज एंटी बीफ बैन बिल लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इस पर सियासत तेज हो गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर के एक विधायक ने कल ही बी पार्टी देकर यह जताने की कोशिश की कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि राज्य का कानून क्या कहता है। प्लेट में परोसी जा रही सीख कबाब और आसपास मेहमानों की भीड़, दिखने में ये आम सी पार्टी लग सकती है, लेकिन इसके मायने बेहद खास है, बेहद सियासी है। कि बी पार्टी हमारे यहाँ पर है, ये खुदा न खासा किसी के जज्बात को मजरूह करने के लिए नहीं है। असेंबली कल बाढ़ में जाए, कल बिल पास करे रिजेक्ट करे, हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये तस्वीरें एक बीफ पार्टी की है। ये पार्टी दी है जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने। रशीद ने बाकायदा मेहमानों को ये कहकर बुलाया है कि वो बीफ पार्टी दे रहे हैं, और जब मेहमान इकट्ठा हुए तो रशीद खुद कबाब परोसने लगे, खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। ये बीफ पार्टी करीब एक घंटे तक चली। जहां इस पार्टी का आयोजन किया गया था, वहां रशीद ने बीफ पार्टी का एक बैनर भी लगवाया था। दरअसल रशीद ने इस पार्टी के जरिए राज्य सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है। आज जम्मू कश्मीर असेंबली में बीफ बैन के खिलाफ एंटी बीफ बैन बिल लाया जाएगा, लेकिन रशीद को लगता है कि सरकार इस बिल के प्रति गंभीर नहीं है। असेंबली में बीफ बैन को हटाने के मुतालिक बिल लाया जा रहा है, और उस बिल के कफन दफन का इंतजाम पहले ही सरकार ने कर रखा है, जब उसको सीरियल नंबर 17 पर रखा। तो इसके जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे मजहबी हुकूक हैं, जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं, उनके लिए न हम किसी असेंबली के मातहत हैं, न किसी कोर्ट के मातहत हैं।